अरुंधति, अब सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। एक बार विल मिल जाए तो फिर क्या करना होगा? मैंने चेक किया है, वो विल अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि उस विल के बारे में सब जानते हैं, और ऐसे केस में डेथ के 1 महीने के अंदर वो विल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट की जाती है। जिसके नाम पर विल होती है उसके सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, हमको भी लेने पड़ेंगे। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, डोंट वरी। इतना आसान भी नहीं है मिस्टर अरव। सिग्नेचर के साथ विल होल्डर का एफिडेविट भी लगेगा और फोटो भी, और मैजिस्ट्रेट के सामने उस आदमी का पेश होना भी जरूरी है। वो विल तो अरुंधति के नाम पर है। मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। सिद्धांत की तहकीकात जारी है, वो चुप नहीं बैठा है। अच्छा, अब जाने दो उसको कि सच्चाई क्या है। अब तक सिद्धांत को जो सच लग रहा था वो सच नहीं। सच के भी 2 चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो दिखता है और एक जो होता है, बिल्कुल आरव त्रिवेदी की तरह। देखिए, मैं यहां आपको पकड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वो जहर जो आपने उस आदमी को दिया था, उस आदमी ने उसका गलत इस्तेमाल किया। उस आदमी ने उस जहर से एक बेगुनाह इंसान की हत्या कर दी। जहर हम बेचते नहीं, ये जहर औषधि के काम आता है, क्योंकि जहर जहर को काटता है, इसलिए हमने ये जहर उसको दिया था। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या ये वही इंसान है जिसको आपने जहर दिया था? नहीं, किसे नहीं दिया। क्या? तो फिर किसको दिया आपने? बस तक जानना चाहता हूं। सच यही है, इसे नहीं दिया।
द क्राइम ब्रांच से, और पता है जितने भी लोग मेरे साथ हैं ना उन सबको पता है कि मैं यहां पे आया हूं, और वो सब के सब बहुत दूर नहीं है, इधर सब आसपास ही है। अब बिना टाइम खराब के जल्दी से बताओ कि वो कौन था जो जहर लेने के लिए आया था, नहीं तो दोनों को बिना चार्ज के अंदर डाल दूंगा। अब जिसे भी जहर देते हैं ना उसकी एक फोटो हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी वक्त किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। Impossible.